नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन ऑनोस्मोडियम के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो पूरी जानकारी दूंगा कि ऑनोस्मोडियम करता क्या है, क्या है इसका एक्शन, उसके बाद मैं इसके सिम्टम्स बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से लक्षण हो तब आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम में आप ये दवा ले सकते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किस पोटेंसी में आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। तो आज हम पूरी जानकारी आपको ऑनोस्मोडियम के बारे में देंगे। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाएं। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपके सवाल है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं कहीं पर भी किसी को भी व्हाट्सएप खुद से नहीं करता हूँ, ना ही मैं अपना नंबर देता हूँ, ना ही कोई अगर नंबर मैसेज सेक्शन में कर दे तो उसे कॉल करता हूँ, और ना ही कहीं भी मैं ये बोलता हूँ कि ये टेलीग्राम आईडी है, ये फेसबुक आईडी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, और यहाँ पर मुझसे संपर्क करें। तो ये सब चीज़ अगर आपको नीचे मैसेज सेक्शन में कहीं पर दिखे और कोई फेक आईडी से दिखे जिसमें फ़ोटो लगा हो, तो बिल्कुल भी आप संपर्क ना करें। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, और आज की मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑनोस्मोडियम। ये प्लांट किंगडम की दवा है, और इस दवा को याद रखने के लिए आपको तीन वर्ड्स याद रखने होंगे। पहला, पावर। मतलब अगर किसी को पावर की कमी है या किसी को पावर चाहिए, खासकर मेल पावर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ऑनोस्मोडियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दूसरा है कंसंट्रेशन। अगर किसी को कंसंट्रेशन की कमी है, बहुत ज़्यादा एकाग्र पेशेंट नहीं रह पा रहा है, एकाग्रता अगर आपके अंदर नहीं है, तो ये दवा बहुत ही अच्छी है आपके लिए। और तीसरा है कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशन अगर आपके शरीर का सही नहीं है, चाहे वो मायस्थेनिया ग्रेविस जैसी समस्या हो, या आपको पार्किंसनिज्म जैसी समस्या हो, या सिंपली आप जब चलते हैं तो लड़खड़ाने लगते हैं, आपको चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो तीन शब्द हमेशा याद रखें, पावर, कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जब आपको ऑनोस्मोडियम बिल्कुल याद हो जाएगी, तो ये तीनों शब्द के चारों तरफ ये ऑनोस्मोडियम घूमती है, और इसके सिम्टम्स ये तीनों शब्द के साथ साथ आपको देखने को सुनने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं इसका एक्शन, कि ये हमारे शरीर पर असर कहाँ करती है। सबसे पहले ये जनरलाइज असर करती है, आपके शरीर में पूरा असर करती है, और वीकनेस, कमज़ोरी को ये ठीक करती है। तो अगर किसी मेल या फीमेल के अंदर वीकनेस की समस्या है, कमज़ोरी है, थकान है, बहुत ज़्यादा मेंटल और फिज़िकल डलनेस आ गई है, तो ये दवा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर किसी को मानसिक तौर पे भी थक जाता है, फिज़िकली तौर पे भी कोई व्यक्ति थक जाता है, तो ये दवा उसके लिए बहुत अच्छी है। मेल पावर को ये बढ़ाती है, जैसा कि मैंने बताया, मेल पावर इसे यूज़ करेंगे तो आपको शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी, जिससे जो है आपको जो इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गई है वो इच्छाएँ होने लगेंगी। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वीकनेस को ये कम करने के लिए। अब चलते हैं सिस्टम की तरफ। तो ये सर में असर करती है, और कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, आपके शरीर का जो कोऑर्डिनेशन कमज़ोर है, जिसके कारण आपको चक्कर आ रहे हैं, या हाथ पैर थरथर आ रहे हैं, पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, या आपको मायस्थेनिया ग्रेविस जैसी समस्याएं हैं, ये मेडिसिन उन बीमारियों में बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा हो सकती है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल, कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। साथ में अगर किसी को माइग्रेन की समस्या है, सर दर्द को ये ठीक करती है, लंबे समय तक अगर आपको सर दर्द रहता है तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। और तीसरा, कंसंट्रेशन, आपके शरीर में कंसंट्रेशन की कमी है, माइंड सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑनोस्मोडियम बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। तो ये था इसका एक्शन। अब चलते हैं सीधा सिम्टम्स की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके तीन सिम्टम्स हैं। पहला इम्पॉर्टेंट सिम्टम,
पावर, कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, तीनों की अगर कमी होती है तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कोई पेशेंट है जिसको बहुत समय से माइग्रेन की समस्या है तो ये दवा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन। नसों के दर्द को ये ठीक करती है और आँखों में अगर दर्द रहता है तो ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर सर दर्द आपको बना रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर भारी रहता है, आँख बहुत ज़्यादा भारी रहती हैं और ऐसा बार बार हो रहा है, बहुत सारे मेडिसिन आपने ली हैं लेकिन आराम नहीं लगा है, साथ में आपको वीकनेस की प्रॉब्लम भी है, कमज़ोरी भी है और बहुत ज़्यादा थकान, मेमोरी लॉस की समस्या भी होती है, तो सर दर्द और माइग्रेन में ये दवा आप ज़रूर यूज़ करें। अगर आपके आँखों में तनाव बहुत ज़्यादा है, आँख की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा अनकोऑर्डिनेटेड है जिसके कारण आपको एस्टिगमेटिज्म जैसी प्रॉब्लम होती है, या आपके आँखों में बहुत जल्दी जोर लगने लगता है, कभी आप लैपटॉप यूज़ करते हैं या अभी जैसे मोबाइल या लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो देखने के बाद आपके आँखों में भारीपन रहता है थोड़ी सी, मतलब ऐसा नहीं कि एक दो घंटे देखने के बाद तो सबके आँखों में भारीपन रहेगा, लेकिन अगर आप 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो देखने के बाद आपके आँखों में भारीपन आ जाता है तो ऑनेस्मोडियम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन हो सकती है। ये दवा बैक पेन में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर फीमेल्स को बैक पेन होता है और आर्निका, रूटा, सिम्फाइटम या बेलिस्पर जैसी मेडिसिन असर नहीं कर रही हैं, उन्हें वीकनेस भी बहुत ज़्यादा रहती है, कमज़ोरी रहती है और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पावर की कमी है, थायराइड पेशेंट हैं, तो बैक पेन में ये मेडिसिन यूज़ करके देखें, उन्हें बहुत आराम लगेगा। हाँ, फीमेल्स की बात चल रही थी तो फीमेल्स में मोस्टली अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो और जिसके कारण इच्छा बिल्कुल नहीं होती हो तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, और मेल्स में भी यही है, अगर आपको कमज़ोरी है, वीकनेस है और उसके कारण इच्छा नहीं होती है तो ये दवा आपके लिए ही है। और लास्ट में, अगर आपके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत जल्दी आपके हाथ पैर थक जाते हैं, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा है हाथ पैर में, बहुत ज़्यादा यानी थोड़ा सा चलने के बाद पैर दर्द करने लगता है, दोस्तों ये थे इसके सिम्टम्स। बहुत ही सिंपल इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये, आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं सीधा कि आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं और कैसे, किस पोटेंसी में आप इसे यूज़ करें। तो आपको पता चल ही गया है कि जनरलाइज वीकनेस, पावर की कमी, हाथ पैर में दर्द, मांसपेशियों का अकड़न जकड़न या कोऑर्डिनेशन की कमी जैसे कि पार्किंसनिज्म या मोस्टली मायस्थेनिया ग्रेविस जैसी बीमारियों में भी ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और साथ ही साथ फीमेल्स के लिए भी अच्छी मेडिसिन है, मेल्स के लिए भी अच्छी मेडिसिन है। हेडेक में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, खासकर माइग्रेन की समस्या हो तो इसे लेना चाहिए, और अगर आँख में आपको बहुत जल्दी भारीपन और दर्द होने लगता है या एस्टिगमेटिज्म की समस्या है तो भी ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। इस दवा का उपयोग आप मोस्टली पोटेंसी में ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं अपने क्लिनिक में जो मेडिसिन जिस पोटेंसी में देता हूँ ये मेडिसिन, वही आपको सजेस्ट करूँगा। तो मैं अपने क्लिनिक में मोस्टली ये मेडिसिन 200 CH पोटेंसी में देता हूँ, 200 पोटेंसी में देता हूँ, और 2 बूंद सुबह अगर आप इसे पियेंगे और 2 बूंद रात में पियेंगे तो आपकी सभी प्रॉब्लम्स में आपको आराम लगेगा। तो हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आपको ऑनेस्मोडियम 200 CH पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात में, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो दोपहर में भी एक बार इसे ले सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, और जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आजकल के समय में जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए हैं वो सिम्टम्स बहुत देखने को मिलते हैं, तो आपको ऐसे पेशेंट्स, ऐसे मरीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे जिनके अंदर ऑनेस्मोडियम के सिम्टम्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। और ये मेडिसिन आपके क्लिनिक में, आपके घर में, अगर आप होम्योपैथी में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर होना चाहिए, और अगर आपको ये सिम्टम्स है तो आप ये मेडिसिन पढ़ें, समझें, डॉक्टर से बात करें और लें। ये मेडिसिन आपको बहुत फ़ायदा देगी, बहुत ही इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन है। और हाँ, ये एक थोड़ी सी एक्यूट मेडिसिन है, मतलब जल्दी असर करती है,
तो ऐसा नहीं है कि इसे आप लेंगे एक महीने बाद आपको असर दिखेगा, इसका असर लगभग 10 दिन के अंदर आपको दिखने लगता है। माइग्रेन के केस में तो इसे लगातार लेने से, मतलब अगर आप इसे माइग्रेन के केस में 200 पोटेंसी में 2-3 बार लेते हैं तो सर दर्द, आधे आधे घंटे में 2-3 बार लेते हैं तो सर दर्द में आपको तुरंत आराम लग जाता है। तो काफ़ी एक्यूट और काफ़ी बहुत जल्दी असर करने वाली ये दवा है ऑनस्मोडियम, और जिसके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं बहुत सारे पेशेंट से, और बहुत इंपॉर्टेंट ये मेडिसिन है। तो कैसी लगी ये दवा ज़रूर मुझे बताइएगा। इस पर मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था बहुत 2-3 सालों पहले, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और आपको मेरे कोई भी वीडियोस देखने हो तो सिंपली आप जाके मैसेज सेक्शन में कोई भी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन या प्रॉब्लम है तो वो लिखें, और उसके बाद डॉक्टर कीर्ति विक्रम लिख के सर्च कर दें, आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सर्च किया करें और वीडियो ज़रूर देखा करें, जिससे आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा। फिर आप डॉक्टर के पास दिखाएँ, जांच कराएं और प्रॉपर मेडिसिन लें, लेकिन नॉलेज तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहां पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूं, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।